बिजली भुगतान के लिए एमपीईबी सही भुगतान सेवा वाहन चलाएगी, जिसके जरिए उपभोक्ताओं से ऑनलाइन भुगतान लिए जाएंगे। करीब 500 गांव में ये भुगतान वाहन चलाए जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। अपनी प्रशासनिक शैली और एमपीईबी के मैनेजमेंट गुरु कहे जाने वाले प्रबंध निदेशक विकास नरवाल एमपीईबी को पूरी तरह हाईटेक बनाने में जुटे हैं। यही वजह है कि शत प्रतिशत भुगतान के लिए 500 गांवों में सहज भुगतान सेवा वाहन चलाए जाएंगे। सहज भुगतान सेवा वाहन विशेष प्रकार से सजे होंगे। इसमें एमपी ऑनलाइन, एनआईसीटी के एजेंट भी रहेंगे। इन वाहनों से ऊर्जा विभाग एवं बिजली कंपनी की सेवा सुविधाओं का प्रचार भी होगा। अगले दिन या उसके अगले के अगले दिन ज्यादा से ज्यादा यानी विद इन 48 आवर्स आपको वहां पे डिस्कनेक्शन गैंग भेजनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर गांव में। और जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया वैन के आने के बाद भी जो है कि पॉजिटिव डिस्कनेक्शन जिस गांव में जिस दिन ये वैन जाएगी उस दिन डिस्कनेक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक गांव से टारगेट किया कि इस गांव से मुझे 1,00,000 रुपए निकालने हैं, तो आपने जब पहली बार वैन भेजी तो समझो 25,000 रुपए की रिकवरी आ गई और वैन अगले गांव में बढ़ गई। तो अब आपको तो 1,00,000 तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको पीछे से जो आपके पास डिवीजन है कि उस वैन से कम 10,00,000 रुपए का कलेक्शन तो आएगा। और 10,00,000 का कलेक्शन जो है कि पूरे महीने में आपको उसको उससे कैसे लेना है उसके लिए आपको रूट तय करना है। पोलो ग्राउंड मुख्यालय में एमपीईबी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल इंदौर ग्रामीण वृत्त के इंजीनियरों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर उपभोक्ता को हर माह बिल देना एवं हर माह देयकों की वसूली करना जरूरी है, इसलिए इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के 500 गांवों के लिए ये इंतजाम किए जा रहे हैं। ये 6 वाहन सकारात्मक रूप से पे डेट या उससे पहले जाएंगे वो भुगतान प्राप्त करेंगे। यदि भुगतान जमा नहीं कराया गया तो कर्मचारी तय वक्त के बाद कनेक्शन विच्छेदित कर सकेंगे। इन वाहनों की शुरुआत दिवाली से पहले दूधिया, धर्मपुरी, कनाड़िया से की जाएगी। वहीं ग्रामीण इंजीनियरों को सुधार के लिए चेतावनी दी गई। वहीं एक लापरवाह इंजीनियर को निलंबित भी किया गया। बैठक में सीजीएम संतोष टैगोर, डायरेक्टर मनोज झवर, आईडी श्री संजय मुहासे, एसई श्री कामेश श्रीवास्तव, अंतिम जैन, मानेंद्र गर्ग, टीसी चतुर्वेदी, आनंद अहिरवाल, राजेश माहौर, राजेश दुबे आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।